ఢిల్లీలో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం స్థితి మే బి హమే గతి పాయెంగే ఆజ్ హమారే సామ్నే ఏక్ ఆర్ పాజిటివ్ ట్రెండ్ అగర్ హమ్ దేఖే తో పాతే హై కి అగర్ ఆప్ దేఖే తో షురూ మే 20 అప్రైల్ కే సమయ పర్ జబ్ హమారీ 1,54,000 రికవరీస్ థీ ఔర్ హమారే 2,59,000 కే కరీబ్ డేలీ నయే కేసెస్ ఆ రహే థే తో హమ్ దేఖ్ రహే థే కి డేలీ నయే రికవరీ वर्सेस डेली न्यू केसेस में करीब 60% केसेस जो थे वो हमारे एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे थे, रिकवरीज कम थी और डेली केसेस ज़्यादा थे। उस ट्रेंड में भी हम एक पॉजिटिव एक अप्रोच देख रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विजावी न्यू केसेस, 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है। ये अर्ली गेन्स हैं जिस पर हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करने की जरूरत है। इसी संबंध में सप्लाई साइड की तरफ से काम करने की जरूरत है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पजेज के लिए यूज करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहां पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है, हम उसको मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पज के लिए सूटेबल है और जो शहर के पास है, वहां पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नजदीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था, टोटल मिलाकर अब देश में 1,500 के करीब पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। ऐसी 14 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर कि पीएसए नाइट्रोजन प्लांट्स हैं और यह पाया गया है कि उन प्लांट्स में कार्बन मॉलिकुलर सीव उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर जियोलाइट मॉलिकुलर सीव अगर बना दें और रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ चेंजेस किए जाएं तो यह प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही इन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज में 37 नाइट्रोजन प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। इन प्लांट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो चाहे हम इनके आसपास टेम्परेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं या इनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर कि एक हॉस्पिटल है, और नहीं तो जहां पर भी ये हैं उनको ऑक्सीजन को टेंडर टैंकर्स के द्वारा हम एसोसिएटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे और बढ़ाया जाए ताकि हम कोविड 19 मैनेजमेंट के जिस तरह से बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने हैं उसको मैनेज कर सकें, उसके अंतर्गत कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्य निर्णय है कि जो नीट और पीजी का एग्जाम है इसको कम से कम 4 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि 31 अगस्त से पहले नहीं किए जाएंगे, और साथ ही जब भी एग्जाम अनाउंस किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट ढंग से पढ़ाई कर सकें उनको 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा। इसके द्वारा हमारे पास जो नीट और पीजी से संबंधित जो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं हम उनको क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कोविड ड्यूटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी मैन पावर बढ़ जाती है। साथ ही जितने भी मेडिकल इंटर्न्स हैं हम उनको भी कोविड ड्यूटीज के लिए उनकी फैकल्टी के अंदर एज पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ सकें। इसके साथ ही फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी हम लोग टेली कंसल्टेशन या माइल्ड कोविड केसेस के बारे में उसको उनको ओरिएंट करते हुए वहां भी उनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स हैं
वो एज रेजिडेंस कंटिन्यू करेंगे जब तक कि फ्रेश बैच ऑफ पीजी स्टूडेंट्स नहीं आ जाते। इसके साथ ही बीएससी और जीएनएम क्वालिफाइड नर्सों को भी हम फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटीज के लिए उनका सहायता लेंगे, वह अपने सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर नर्सेज के अंडर में काम करेंगी। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन देयर सर्टिफिकेशन, उनकी सर्विसेज और उनकी सहायता भी कोविड मैनेजमेंट के लिए ली जाएगी। इसके साथ ही वह हमारे मेडिकल कर्मी जो आज एक ऐसी सेवा देश के लिए कर रहे हैं, जो प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को भी, अपनी आप को भी ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए जो भी आदमी 100 दिन कोविड ड्यूटी करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर डिस्टिंग्विश्ड कोविड नेशनल सर्विस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनको आने वाले किसी मेडिकल रिक्रूटमेंट में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही जितने भी मेडिकल स्टूडेंट, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे कोविड ड्यूटी में एंगेज होंगे, उनके सपोर्ट के लिए उनका वैक्सीनेशन और साथ में उनको जो हमारी ऑनगोइंग इंश्योरेंस स्कीम है उसमें भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही हमने स्टेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं, चाहे वे डॉक्टर की हों, चाहे नर्सेज की हों, चाहे वे एलाइड प्रोफेशनल्स की हों, उनको एक एक्सेलरेटेड प्रोसेस के थ्रू 45 दिन के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के द्वारा एनएचएम के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फिलअप किया जाए। आज जब हम एक स्थाई पर जो सप्लाई साइड यानी कि हम कैसे कि केसेस को मैनेज कर सकें इस पर कुछ निर्णय ले रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं, जरूरत है कि ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट के लिए कि हम रूट कॉज पर भी काम करें। रूट कॉज जो है वह हम हमेशा से बात करते आए हैं कि हम कैसे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकें। एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जिसमें कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का रिक्वायर्ड प्रयत्न ना करें, वह कभी भी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी कोर कैपेसिटीज और लॉजिस्टिक्स को ओवरवेलम कर सकता है। इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से हम सप्लाई साइड अप्रोच यानी कि चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे वह टेम्पररी हॉस्पिटल्स हों, चाहे वह मेडिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उस पर काम कर रहे हैं, हमें डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी उसी मोमेंटम से काम करने की जरूरत है। कलेक्टिवली जरूरत है कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी में उस अप्रोच से काम करते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे तोड़ें, उस पर कार्य करें। आज जरूरत है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट की है, कि एक तरफ हमारे एरिया जहां पर की केस पॉजिटिविटी कम है, केसेस कम आ रहे हैं, हम उनको प्रिजर्व करें, वहां पर हमारा कंटेनमेंट से रिलेटेड कार्य चलता रहे। दूसरा जरूरी है कि जहां पर अधिक सर्ज पाया जा रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट जैसे कार्य पर भी ध्यान दें। इसी के तहत हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इससे संबंधित गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को रिट्रेट करते हुए कहा है कि हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करें, जो वह जिले हैं जहां पर कि 10% से ज्यादा केस पॉजिटिविटी है या जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 60% से ज्यादा जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं या आईसीयू बेड्स हैं वे भरे चुके हैं। स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि उन जिलों में वह एरिया आइडेंटिफाई किए जाए जहां पर कि क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे हैं और वहां पर लोकल कंटेनमेंट जिसका प्राइमरी पर्पज है कि लोकल इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल उसको कम किया जाए, उसको 14 दिन तक